सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। हम सभी लेट उठे थे। देखो, मैं बोया हूँ क्या कि मैं टॉय से खेल रहा हूँ। टॉय से कहाँ खेल रहे हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो। तो सुबह मैं उठा था और दूध लाके वापस सो गया, तो सब लेट ही उठे हैं। फिर उसके बाद में तो नाश्ता बना रही है और मेरा बेटा टाइम पास कर रहा है। तो मैडम क्या बना रही हो आप? ग्वारफली। मेरी वाइफ बहुत दुखी है सब्जी से, ग्वारफली से। बनाती ही नहीं है रेगुलर, फिर भी एक बार ले आया हूँ मैं, बहुत दुखी है बेचारी। छोटी लाए तो यहाँ पे ऐसी ही मिलती है तो मैं कहाँ से लाऊं फिर? तो बना दूं, मुझे अच्छी लगती है। गाइस, इनका तो गाइस ही नहीं खत्म होता। मैंने अपने बेटे को काम दे दिया है छोटी ABCD लिखने को, क्योंकि इसकी पढ़ाई वैसे ही नहीं हो पा रही थी। तो कहाँ से बेटा आप बिग बिग ए भी लिख रहे हो, स्मॉल स्मॉल ABCD लिखना है। किसने कमाल कर दिया? आओ अंदर। 6 बज रहे हैं और ऑफिस से मैं आ चुका हूँ। क्या कर रही थी मैडम तुम? अच्छा, अपनी वीडियो काम कर रही थी। बेटा क्या कर रहा है? बेटे को दिखाता हूँ, वो सो रहा है। तो ये मेरा बेटा अभी भी सो रहा है, शाम को 6 बजे भी। और अपने सारे खिलौने इसने इस डब्बे में, आप देख सकते हो डब्बे में स्टोर कर रखे हैं। चलो चलो भागो यहाँ से, ये उठ जाएगा नहीं तो। तो मेरा बेटा जग चुका है। यश आप क्या कर रहे हो? मैं टीवी देख रहा हूँ। अभी भी इसको नींद आ रही है और अपना ये पोथी पत्रा लेके घूम रहा है। बेटा इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है दिखा दो, सबको दिखा दो। इसके अंदर क्या है दिखाओ। वाह, इसके तो टॉय रखे इसने छुपा के। मैडम क्या बनने वाली हो मेरे लिए? जैसे टिक्की नहीं बनाएगी? क्या टिक्की? टिक्की कहाँ है? वो छोले खत्म। और क्या? कुत्ते सीधे। अबे ज़्यादा बाल ही नहीं, छोटा का उसे रखे रहते। रखे रहते तो फिर क्या थे, आप ज़्यादा होगा। मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था कि कल इसने आलू की टिक्की बनाई थी बढ़िया, आज और बना दे। तो बोल रही खत्म हो गया सारा सामान। ये लो बहाने तैयार। तो मैं अपने बेटे के साथ थोड़ी देर खेल लेता हूँ। ये यश देखो शरारत कर रहा है, अपनी आइसक्रीम खा चुका है अपने हिस्से की और मम्मी की भी आइसक्रीम चुपके चुपके चुरा रहा था। मैं आइसक्रीम चाह रही हूं। आपकी नहीं है मम्मी की, आप खा चुके हो, झूठ झूठ बोलते हो। अभी रुको, क्या कर लोगे? मेरी वाइफ आइसक्रीम खा रही थी और इसने इतना आतंक मचाया कि आखिरकार इसको आइसक्रीम देनी ही पड़ गई।
पूरा घर इसने अपने सर पे उठा लिया, खूब रोया। तो भैया इससे बढ़िया तो इन्हीं को दे दो। अभी आइसक्रीम बेटा ढंग से खा लो, गिरा रहे हो। तो कल इंडिया मैच हार गया साउथ अफ्रीका से, भारत तो दुखी ही है, पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी दुखी होंगे क्योंकि इंडिया के हार जाने से उनके चांसेस और कम हो जाएंगे फर्दर सीरीज में जाने के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जानबूझकर ये मैच हारेगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के चांसेस को कम करने के लिए। तो अभी मेरी वाइफ ने मैक्रोनी बनाई है और मेरा बेटा बिस्किट खा रहा है, मतलब उसके चूरा तक खा लेगा, लेकिन इसको सब्जी रोटी दो तो वो नहीं खाएगा। बहुत शैतान लड़का है ये। अच्छा। बस ये पता नहीं कहाँ से सीख के आ गए। अच्छा बताता हूँ, अभी रुको, कहाँ से सीखेगा, हमसे सीख के आया है। हम इसको जब डांटते हैं बोलते हैं ना, अच्छा अभी बताता हूँ रुक जाओ, वही चीज़ इसने कैच कर ली। तो मेरी वाइफ ने अभी फ्राइड आलू बनाए हैं, ग्वार फली और पराठे, सही है, मैक्रोनी के बाद में इतनी सारी डिशेस। यश आपको अच्छी लगी मैक्रोनी? इसको मैक्रोनी अच्छी लगी, बस इसको चटमट चीज़ें खिला लो। और इसका छोटा भीम आ रहा है, वो दिखवा लो इनसे। आपको क्या हो गया? चोट लग गई पैर में, दिखाओ दिखाओ। हाँ चोट लग गई, कैसे चोट लग गई थी? अरे आपकी चोट सही कैसे होगी? ये देखो चोट कैसे सही होती है, टैब देखने से चोट सही हो जाती है। वाह भाई वाह, देखो सहानुभूति का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। अभी भी खड़े ऐसे ही चोट लग जाए। मेरे को चोट लग गई है, मुझको टैब दे दो। ये फुल नौटंकी इनकी चालू है, अपना टैब वैब पूछ, अब पूछ भी नहीं रहे किसी से, पहले पूछते हैं कि पापा मैं टैब ले लूं, मम्मी मैं टैब ले लूं। क्या चाहिए? टैब चाहिए? क्यों आपको चोट लग गई इसलिए है? अच्छा चोट लग गई, टैब दे दो उनको। चला लो। टैब चालू हो जाएगा फिर इनका रोना धोना बैंड बाजा सब बंद। तो हम अपनी वीडियो का विराम यहीं पे लगाते हैं क्योंकि 10 बज रहे हैं और सोने का टाइम हो गया है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है दूध लाने के लिए, तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यश नहीं, ठीक है नहीं, ये माना करता है कि वीडियो को एंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हर चीज का आंसर क्योंकि, उसके आगे का ब्लैंक।